नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एग्री विश्वास पे। तो दोस्तों जो है CGPIT का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, और अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने जाने से पहले आप ये कुछ जरूरी बातें जरूर सुन ले। अगर आप किसी प्रकार का कोई भी परेशानी का सामना ना उठाना पड़े, ना ही आपको बाद में पछताना पड़े। तो सबसे पहले अगर आप PAT का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको PAT का जो है ग्रुप डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमारे सामने PAT में 3 ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला AJ ग्रुप होता है, दूसरा होता है PCB ग्रुप होता है, और तीसरा जो होता है PCM ग्रुप होता है। ये हमारे सामने PAT में 3 ग्रुप होता है। तीनों ग्रुप में से आपको कोई एक ग्रुप को चॉइस करना है। जैसे हमने अगर AJ ग्रुप को चॉइस किया तो हमारे सामने एग्रीकल्चर का या हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, फसल उत्पादन, डेयरी, मुर्गी पालन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का भी AJ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप PCB ग्रुप से जाते हो तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। PCM से जाते हो तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा ग्रुप अच्छा लगता है, आप कौन सा ग्रुप में जाना चाहते हो। तो दोस्तों हमारा पहला नोटिस जो हो गया जो है ग्रुप चॉइस। तो ग्रुप चॉइस के बाद आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। दूसरा जो हमारा बात है, ये आपके सामने अगर आप फॉर्म भरने जाते हो तो आपका रिसेंटली कोई फोटो, पासवर्ड साइज फोटो जो अपना रिसेंटली जो आपने खिंचवाए हो तो उसी को लेके आप चॉइस सेंटर में जाओ। तीसरा जो है आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे आपको फॉर्म भरते टाइम आपका दो ऑप्शन, एक ऑप्शन रहेगा KR करके। KR मतलब दोस्तों कृषक। तो दोस्तों अगर आप कृषक फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे यस करें, और अगर कृषक फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं तो वहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कृषक सर्टिफिकेट किसका बनता है ये देखते हैं। तो कृषक सर्टिफिकेट जो है स्टूडेंट का नहीं बनता है, उसका फैमिली मेम्बर का बनता है, या तो उसका पिताजी का बनेगा या फिर दादाजी का बनेगा। तो कृषक सर्टिफिकेट किन लोगों का बनेगा, तो इसके लिए दोस्तों एक वीडियो भी हमने बनाया था कृषक सर्टिफिकेट के ऊपर, जिसे भी आप जाके हमारे YouTube में जाके चेक करके देख सकते हो। फिर भी दोस्तों इस वीडियो में मैं, तो कृषक सर्टिफिकेट जो है दोस्तों वो बनेगा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को बनेगा, जिन फैमिली को सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से जो है ज़मीन प्रोवाइड कराया गया था खेती के लिए, तो उन्हीं स्टूडेंट के लिए बस कृषक सर्टिफिकेट बनेगा। बाकी स्टूडेंट का जो है कृषक सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। कृषक सर्टिफिकेट बोले तो अगर आप SC, OBC, जनरल कैटेगरी में आते हो, उसमें एक कैटेगरी कृषक से भी आ जाता है। यहाँ पे भी आपको IGKV में सीट फिक्स रहता है कि कृषक वाले को सीट देना है, तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है कृषक वाले स्टूडेंट को। तो हमारा तीन चीज़ यहाँ पे क्लियर होगा। पहला ग्रुप हो गया, और दूसरा जो है रिसेंटली पासवर्ड साइज फोटो, और तीसरा जो है हमारा कृषक सर्टिफिकेट का आपको एस करना है कि नो करना है। इस टाइप का डाउट जो है CGPIT के फॉर्म भरने में चॉइस सेंटर वाले आपसे पूछ सकते हैं कि कृषक वाले को एस करना है कि नो करना है। तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से हाँ या ना कर सकते। अगर आपको कृषक से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है कि बनेगा या नहीं, तो आप सीधे हमसे व्हाट्सअप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर 9644073286 है। और एक बात, कृषक सर्टिफिकेट जो है अभी फॉर्म भरने टाइम आपका कृषक सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। फॉर्म भरते टाइम आपका कृषक सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो इसका ज़रूरत कब होगा, जब आपका PAT का एग्ज़ाम दोगे, PAT का रिजल्ट आ जाएगा, फिर वहाँ पे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, अच्छे रैंक में आपका स्कोर आएगा, फिर आप IGKV में जाओगे काउंसलिंग के लिए। हर स्टूडेंट को काउंसलिंग में जाने के बाद ही कॉलेज मिलता है। जब आप काउंसलिंग में जाओगे फिर जाके आपको कृषक सर्टिफिकेट लगेगा। तो मतलब दोस्तों CGPIT का रिजल्ट आने के बाद भी आपके पास 30 दिन का टाइम रहेगा कृषक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो उसी टाइम आप कृषक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अभी बस आपको बस विकल्प का ऑप्शन में आपको चॉइस करना है कि आपके पास कृषक सर्टिफिकेट है या नहीं है, इस टाइप का पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप कृषक सर्टिफिकेट, अगर आप कृषक फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपका कृषक सर्टिफिकेट 100% बन जाएगा। अगर आप कृषक फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो उसमें आपका कृषक सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। और जो कृषक सर्टिफिकेट है ये हमारा तहसील में जाके बनता है, हर जिला का तहसील होता है, वहाँ पे जाके आप कृषक सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा 3 टॉपिक। पहला टॉपिक ग्रुप था, दूसरा रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटो, और जो है दूसरा जो है रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटो, और तीसरा जो है कृषक सर्टिफिकेट का। बाकी CGPIT का फॉर्म में और ज़्यादा कुछ जानकारी डालना नहीं रहता, बाकी नॉर्मल एड्रेस वगैरह डालना रहता है। तो दोस्तों अगर आप किसी चॉइस सेंटर या ऑनलाइन सेंटर में अगर आप फॉर्म भरने जाते हो तो आप अपने साथ एक पासवर्ड साइज फोटो जरूर लेकर जाए, और इसके अलावा और कुछ भी जरूरत नहीं होगा, बस एक पासवर्ड साइज फोटो का जरूरत होगा और वहां पे जाकर फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों इस बार जो है CGBFM और PSC के वेबसाइट में फॉर्म भरने के किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, तो
जो पैसा जो आपका सेविंग हो रहा है उस पैसा से आप हमारे नोट्स को लेके CGPAT का स्टडी कर सकते हो। हमारे पास CGPAT से रिलेटेड सारे का सारे कंप्लीट नोट्स बनाया गया है, जिसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इसके एक नोट्स के ऊपर मैं स्क्रैच करके वीडियो बना रहा हूँ। इस टाइप का नोट्स आपको CGPAT में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। इस टाइप का नोट्स से ही आपका सिलेक्शन, इस टाइप का नोट्स से स्टडी करोगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, जो स्टूडेंट अभी 11th में है और वो भी PAT देना चाहता है तो उसका जो है PAT दे सकता है, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों वो सेलेक्ट होगा तो उसे कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका 12वीं क्लियर नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट 11th में है वो ट्राई के लिए PAT जरूर दे। PAT देने से आपको पता चल जाएगा कि आपके सामने 12th करोगे तो उसके बाद PAT में किस टाइप का फॉर्म भरना रहता है, किस टाइप का वहाँ पर जाके बैठना पड़ता है, किस टाइप का आपको इसको आंसर को हल करना रहता है, कितना टाइम का सेविंग करना पड़ता है। तो अगर आप 11th में हैं तो अभी भी आप CGPAT का फॉर्म जरूर भरें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों कल के वीडियो में हम CGPAT का कंप्लीट फॉर्म भर के आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किस टाइप का फॉर्म भरा जाता है, कैसे कैसे आपको विकल्प को चयन करना पड़ता है और कैसे फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रविश्वास पे। और दोस्तों जाते जाते एक बात, अगर आपको CGPAT का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो हमारे WhatsApp नंबर 9644073286 पर आप कॉल या SMS हमें कभी भी कर सकते हैं।